वाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वाड़ी के कंट्रोल वाड़ी में 5 दिन से एक युवक लापता हुआ है। अचानक उसका शव खपरी में मिला, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक आशीष जयलाल बिसेन कंट्रोल वाड़ी रामजी अंबेडकर नगर वाड़ी शनिवार को आटा पीसने के लिए घर से निकला था। उनके साथ उनकी बेटी भी थी, वह उसे चॉकलेट लेकर घर ले गया था। उसके बाद मृतक आशीष अचानक घर से निकल गया था। कुछ देर बाद घर वालों को आशीष की चिंता सताने लगी। कुछ देर बाद परिजन वाड़ी थाने पहुंचे और शनिवार 26 मार्च की शाम 5 बजे वाड़ी थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को सूचना मिली तो उसे मिहान साइड में मृतक आशीष की लोकेशन मिली, लेकिन 5 दिन बाद भी शिकायत में कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए वाड़ी पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है। मृतक आशीष जयलाल बिसेन के मित्र 25 वर्षीय निनेंद्र कपूर चंद बघेल खपरी में रहता है। पता चला है कि मृतक आरोपी निनेंद्र बघेल के घर गया था। मृतक आशीष और आरोपित निनेंद्र में कहासुनी हो गई और आरोपियों ने किसी हथियार से आरोपी की हत्या कर दी। हत्या का मकसद तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना हिंगना थाने के खपरी में हुई और 25 साल के आरोपी नीलेंद्र कपूरचंद बघेल के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। वाड़ी से NBCN न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।